गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो वी वर रीडिंग लेसन नंबर 4, द टेल ऑफ द बिश्नोईस. सो टिल नाउ व्हाट वी हैव कवर्ड सो फार, आई एम गोइंग टू समराइज दैट मच फॉर यू. सो लिसन प्रॉपरली. द टेल ऑफ द बिश्नोईस, बिश्नोईस जो थे उनकी कहानी है. ये क्या होता है, इसके अंदर मारवाड़ होता है जो कि ट्रीलेस वेस्ट है. यहाँ पर पेड़ पौधे अधिक नहीं थे, यहाँ पर सिर्फ रेगिस्तान, रेत और पत्थर और सूखी झाड़ियाँ और कांटे ही यहाँ पर मौजूद थे. लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पर एक अलग गांव था जहाँ पर बहुत सारे खेजड़ी के पेड़ मौजूद थे, और उन खेजड़ी की पेड़ों की बदौलत ही वहाँ के लोगों का और उनके जीव जंतुओं का गुजारा चल रहा था. तो एक वक्त क्या होता है, कुछ 3000 साल पहले वहाँ पर गडरियों का एक झुंड आता है जो कि वेस्ट और सेंट्रल एशिया से इंडिया में आता है, और वो मारवाड़ रीजन की तरफ फैल जाते हैं. तो मारवाड़ रीजन जो कि भीलों का एरिया होता है, तो वो भीलों को वहाँ से हटा देते हैं और ख़ुद उस जगह पर कब्ज़ा कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास में घोड़े और सुपीरियर वेपन्स थे, तो भील उनके सामने नहीं टिक पाए. तो अब वहाँ पर क्या है कि जो कुछ बेचारे भील थे जो हार करके अरावली की तरफ मूव हो गए, और थोड़े बहुत जो बचे थे उनको वहीं रहना था. तो उस वजह से क्या है कि मारवाड़ की जो पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ हो गई थी, और मारवाड़ की पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने के बाद में क्या हुआ कि जितने भी जीव जंतु थे वो भी बढ़ गए, लोग भी बढ़ गए. तो वहाँ की जो वेजिटेशन थी उस पर डायरेक्ट इफ़ेक्ट पड़ा, और वेजिटेशन इफ़ेक्ट पड़ने की वजह से क्या हुआ कि वहाँ पर जितनी भी वेजिटेशन थी वो सब धीरे धीरे लुप्त होने लग गई थी. तो वहाँ पर जो भी इन्वेडर्स और ट्राइबल भील्स थे उनके पास खुद की ज़िंदगी जीवन यापन करने के लिए ज़्यादा कुछ बचा नहीं था. तो क्या होता है कि जो भील जो होते हैं वो फाइनली कन्नौज के जो राठौर होते हैं उनकी मदद से उन इन्वेडर्स के ऊपर विजय प्राप्त तो कर लेते हैं. तो अभी जो है राजपूतों का शासन जो है वो मारवाड़ पे चलता है. और फिर 1451 के दौरान जो कि राव जोधा जी का शासन था, उस वक्त एक अद्भुत बच्चे का जन्म होता है पिपासार के गाँव में, जिसका नाम होता है जम्बाजी. और जम्बाजी जो होते हैं वो अपने फादर का काम जो है, उनकी जो भी कैटल है उनका देखभाल जम्बा जी का जो बचपन था उसमें वो करते थे. ओके, सो उसके आगे की जो कहानी है वो हम अभी स्टार्ट करते हैं. वेन जम्बाजी वॉज 25 ईयर्स ओल्ड, अ ग्रेट डिज़ास्टर ओवरटुक द होल रीजन. जब जम्बाजी 25 साल के थे तो वो पूरा जो रीजन जो था मारवाड़ रीजन, वहाँ पर एक बहुत बड़ी आपदा आ गई. द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ रेन दैट यूज़ टू कम रेगुलरली सीज्ड ऑल टुगेदर. मतलब पहले ही वहाँ पर बहुत कम बारिश हुआ करती थी, पर जो हुआ करती थी वो भी अब आना बंद हो गई थी. द वर्स्ट सफरर्स वर द कैटल. वर्स्ट सफरर्स मतलब सबसे ज़्यादा जो इसके अंदर दिक्कत जो हुई वो किसको हुई, वहाँ के पशुओं को हुई. बारिश नहीं आई तो उस वजह से वहाँ के जितने भी जीव जंतु थे, पशु जो थे, उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई. इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ड्राउट दे कुड ईट द बाजरा स्टोर्ड इन द हाउसेस. तो जो सूखा जो पड़ गया था, बारिश नहीं आई उसकी वजह से, तो जो पहला साल था उसमें तो जो भी जो कैटल थी उनके लिए जो घरों के अंदर जो बाजरा इकट्ठा करके रखा था उससे उनका काम चल रहा था. लेकिन द सेकंड ईयर वॉज वेरी बैड. दूसरा साल और ज़्यादा ख़राब था, और ज़्यादा बदतर था. देयर वॉज नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास लेफ्ट स्टैंडिंग एनीवेयर. मतलब कहीं पर भी घास का एक तिनका भी मौजूद नहीं था. पीपल हैक्ड एट द ट्रीज दे कुड फाइंड एंड फेड द एनिमल्स ऑन द लीव्स. बट इवन सो देयर वॉज नॉट इनफ ब्राउज फॉर ऑल द हंग्री एनिमल्स. एंड द ड्राउट कंटिन्यूड फॉर 8 कंसिक्यूटिव ईयर्स. अब जो भी लोग थे उन्होंने क्या किया कि पेड़ों को काटना शुरू किया, और जो कुछ भी उन पेड़ों से निकल के आता, जो भी पत्तियाँ होती, जो भी चारा होता, वो सब उनके जानवरों को खिला देते थे. लेकिन उसके बावजूद भी जानवर इतने थे कि उनके लिए इतना सारा हो नहीं पाता था. इनफ ब्राउज मतलब जो है खाने पीने का जो है इतना हो नहीं पाता था. तो ये जो सूखा जो था वो एक या दो साल नहीं, लेकिन पूरे 8 कंसेक्यूटिव मतलब लगातार 8 साल तक ये जो है सूखा जो है सूखे की मार वहाँ पर रही. ओके, द पीपल हैड हैक्ड एंड हैक्ड द लास्ट बिट ऑफ फॉलिएज फ्रॉम ऑल द ट्रीज विच फाइनली बिगैन टू ड्राई अप. अब वहाँ के लोगों ने जितना भी मतलब आखिरी जो खेरा जिसको हम बोलते हैं, मतलब जितना सब कुछ था वो सब कुछ उन्होंने पेड़ों पर से
पेड़ों को काट करके सब इस्तेमाल में ले लिया और वो पूरा रीजन जो है वो एकदम सूखा हो गया। जब तक वो सूखा नहीं हो गया तब तक उन्होंने सब कुछ इस्तेमाल में ले लिया। When the stored grain was exhausted, people ate khejdi pods and the floor of dried bear seeds. मतलब अब क्या है कि इकट्ठा किया हुआ जो भी धान मौजूद था वो सारा जब ख़त्म हुआ तो सब ख़त्म हो गया, तो वहाँ के लोगों ने क्या किया कि खेजड़ी की जो फलियाँ होती है उनको खाना शुरू कर दिया, और बेर के जो जो बीज जो होते हैं, मतलब जो बोर जो होता है, जो अपने राजस्थान के अंदर आप लोगों ने देखा होगा रेड कलर वाले जो बोर होते हैं ना, उनका जो बीज होता है उसका चूरा करके उन्होंने वो उसका आटा कर दिया और उसको इस्तेमाल में लेने लग गए। When this too was exhausted, they tore the bark off the sangri trees and powdered and cooked it. जब ये सब भी ख़त्म हुआ तो उन्होंने क्या किया कि सांगरी के जो पेड़ थे उनकी छाल को उतार करके उसका चूरा करके उसको पका लिया। मतलब अब उनके पास में कुछ बचा हुआ नहीं था, मतलब धीरे धीरे हर चीज़ ख़त्म होती जा रही थी, जो भी उनके पास थोड़ा बहुत बचा हुआ था वो उसका कैसे भी करके इस्तेमाल कर रहे थे। They hunted every one of the starving black bucks and finally they abandoned all hope and migrated in masses. अब उन्होंने जितने भी भूखे बेचारे काले हिरण थे उन सबका उन्होंने शिकार किया और जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी उन्होंने उनके ज़रिए चलाई रखी, लेकिन आखिरकार उनके पास में अब कोई होप कोई उम्मीद की किरण उनको नज़र नहीं आई, तो उन्होंने क्या किया, दे अबैंडन्ड ऑल होप एंड माइग्रेटेड इन मासेस। माइग्रेटेड का मतलब उन्होंने वहाँ से पलायन कर लिया, मतलब वो वहाँ से उस जगह को छोड़ करके जाने लगे। मासेस मतलब इकट्ठे, मतलब जो भी सब कुछ सब जने थे वो उस जगह को छोड़ कर वहाँ से जाने लगे। टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कैटल पेरिश्ड ऑन द वे, मतलब करीबन 10,000 पशु जो थे वो रास्ते के अंदर जब वो वहाँ से पलायन करके कहीं दूसरी जगह जा रहे थे तो उनकी रास्ते में मौत हो गई। पेरिश्ड का मतलब होता है डाइड। बाय नाउ द होल कंट्री वॉज बैरन, देर वॉज नॉट अ ट्री इन साइट फॉर माइल्स टुगेदर, नॉर अ सिंगल काउ और अ ब्लैक बक। और अभी तक जो है वो पूरा देश जो है उस वक्त सूखे की चपेट में आ चुका था और दूर दूर तक कहीं एक कोई भी पेड़ मौजूद नहीं था, ना ही कोई गाय ना ही कोई काला हिरण, दूर दूर तक किसी का नामो निशान नहीं था। द ओनली पीपल टू होल्ड ऑन वर बिग लैंडलॉर्ड्स लाइक जम्बाजीज फादर विथ ह्यूज स्टोर्स ऑफ बाजरा दैट समहाउ लास्टेड थ्रू द डिफिकल्ट टाइम्स। अब सिर्फ वही लोग जो है बच रहे थे, मतलब सिर्फ कुछ ऐसे लोग थे जैसे कि बड़े बड़े ज़मींदार जैसे जम्बाजी के पिताजी, तो उनका ही काम सही से चल पा रहा था क्योंकि वो क्या वेल्दी थे, वो पैसे वाले थे, तो उनके पास थोड़ा कुछ अपने लिए बचा हुआ था। जो बाजरा जो उन्होंने ह्यूज स्टोर्स जो इकट्ठा करके रख रखा था समहाउ वो ये ऐसी मुसीबत की घड़ी में वो उनके काम आ गया। जम्बाजी वॉज मच अफेक्टेड बाय दिस ड्राउट, मैनी वर द नाइट्स ही स्पेंट इन वेकफुलनेस बिकॉज ऑफ द सफरिंग ही सॉ अराउंड हिम। अब जम्बाजी जो थे वो एक अच्छे इंसान थे, तो उनको ये सब कुछ देख करके ये जो सूखा था और जो जीव जंतु जो बेचारे इस सब के चपेट में आए हुए थे, तो ये देख करके उनकी रातों की नींद हराम हो गई और वो सबसे ज़्यादा परेशान थे। द डाइंग कैटल द स्टार्विंग चिल्ड्रन दे हॉन्टेड हिम डे एंड नाइट, मतलब जो भी ये जो पशु मर रहे थे भूखे प्यासे बच्चे उन सबको देख करके मतलब वो उनका दिन और रात जो है वो डर के मारे गुजर रही थी। एंड फाइनली एट द एज ऑफ 34 ही हैड अ विजन, मैन इंटॉक्सिकेटेड विथ हिज ओन पावर डिस्ट्रॉइंग द वर्ल्ड अराउंड हिम। तो फाइनली जब वो 34 जब उनकी एज हो गई थी तब उन्होंने एक विजन, मतलब एक उन्होंने एक आप कह सकते हो इसको एक तरह का एक सपना उन्होंने देखा जिसको उनको पूरा करना था। अब उन्होंने अपने आसपास लोगों को देखा कि लोग जो थे वो सब इंटॉक्सिकेटेड का मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे, मतलब अपने खुद की पावर को लेकर के उनके अंदर बहुत सारा घमंड आ गया था, वो नशे में धुत हो गए थे। तो और वो क्या कर रहे थे, लोग अपने आसपास की जो दुनिया है उसको धीरे धीरे तबाह करते जा रहे थे, तो जम्बाजी जो थे वो सबको बदलने वाले थे। एंड ही डिसाइडेड टू चेंज ऑल, इफ़ लाइफ वॉज टू फ्लरिश अगेन इन दिस डिसोलेट लैंड, जम्बाजी सॉ दैट मैन वुड हैव टू लिव इन अ डिफरेंट वे एंड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टेनेट्स एंड बिलीफ्स। मतलब अब उनको अगर वापस से ज़िंदगी को वापस पटरी पर लाना है तो लोगों को तो अलग तरह से रहना होगा, सबको अलग तरह से रहना होगा और अलग सिद्धांत के साथ में रहना पड़ेगा। टेनेट्स का मतलब होता है प्रिंसिपल्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सिद्धांत।
तो अलग सिद्धांत अपनाने होंगे, जिंदगी के अलग मूल अपनाने होंगे। जंबा जी वॉन्टेड द अर्थ टू बी कवर्ड वंस अगेन बाय एन अबंडेंस ऑफ खेजड़ी बेर केर एंड सांगरी ट्रीज। ही वॉन्टेड हर्ड्स ऑफ ब्लैक बक टू फ्रॉलिक अगेन एंड ही वॉन्टेड मैन टू वर्क फॉर दिस। अब जंबा जी जो है वो चाहते थे कि वापस से इस एरिया के अंदर अबंडेंस हो, किसकी, खेजड़ी के पेड़ों की, बेर की, केर और सांगरी के जो भी पेड़ जो वहाँ पर थे और जितने भी काले हिरण थे वो वापस से वहाँ पर चहलकदमी करने लग जाए। अबंडेंस का मतलब होता है भरपूर मात्रा में, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं लार्ज इन क्वान्टिटी, ठीक है। तो वो चाहते थे कि सब कुछ वापस पहले की तरह हो जाए और इसके लिए लोगों को वहाँ पर काम करना होगा। एंड ही वॉन्टेड मैन टू वर्क फॉर दिस, तो मतलब ये कुछ आसान काम नहीं था, इसके लिए लोगों को काम करना था। जंबा जी न्यू द वे टू अचीव दिस एंड ही बिगैन टू ब्रॉडकास्ट हिज मैसेज इन द ईयर 1485। अब जंबा जी जान गए थे कि इसको कैसे करना है, तो उन्होंने अपना एक संदेश दिया 1485 के अंदर लोगों को। हिज मैसेज इंक्लूडेड 29 बेसिक टेनेट्स। इट्स टू मेजर कमांडमेंट्स फॉर अ प्रोहिबिशन अगेंस्ट द कटिंग डाउन ऑफ एनी ग्रीन ट्री और द किलिंग ऑफ एनी एनिमल। तो अब जो भी उनका जो संदेश था उसके अंदर 9 मूल सिद्धांत थे और उन 9 मूल सिद्धांतों के अंदर 2 मेजर कमांडमेंट्स थे, जिनमें से एक ये था कि कोई भी हरे पेड़ को काटा नहीं जाएगा और किसी भी जानवर को मारा नहीं जाएगा। सो जंबाजीज मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी एंड रेस्पेक्ट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स वॉज ईगरली एक्सेप्टेड। तो मतलब ये जो इंसानियत से, इज्जत से भरा जो उनका जो संदेश था वो अच्छे से स्वीकार किया गया। His teachings prompted the inhabitants of hundreds of villages to reclothe the earth with its green cover. तो जो भी उनकी जो सीख थी उससे क्या लोग प्रेरित हुए, इनकरेज हुए, वहाँ पर जो भी मतलब जितनी भी गिनती के जो लोग थे अलग अलग गाँव के, कि उनको वापस से इस पृथ्वी को, इस धरती को जहाँ पर वो रह रहे हैं खासतौर पर, उसको वापस से हरियाली की चादर उनको ओढ़ानी है। जंबाजी इस फॉलोवर वर कॉल्ड बिश्नोईस और 29ers, 20 इज इक्वल टू 20 और नोई इज इक्वल टू 9। सो बिकॉज दे अधर्ड द जंबाजीज 29 प्रीसेप्ट्स, कि अब ये जो भी जंबाजी को जो लोग फॉलो कर रहे थे वो बाद में जा कर के बिश्नोईस कहलाए। सो दिस इज़ द टेल ऑफ बिश्नोईस। अब आप समझ गए होंगे कि बिश्नोईस कौन है, 29ers कहलाए, क्योंकि उन्होंने जो जंबा जी के दिए गए जो मूल सिद्धांत थे, जो 29 प्रिसेप्ट्स जो थे उनको उन्होंने फॉलो किया था। दे प्रिजर्व्ड द ट्रीज अराउंड देयर विलेजेस एंड प्रोटेक्टेड ब्लैक बर्ग्स, चिंकारास, पी फॉल एंड ऑल अदर बर्ड्स एंड एनिमल्स। तो उन्होंने क्या किया कि जो भी उनके आसपास के गाँव में जो भी पेड़ पौधे थे, जितने भी जीव जंतु, काला हिरण, चिंकारा, पी फॉल मीन्स जो पीकॉक होता है, एंड ऑल अदर बर्ड्स एंड एनिमल्स, तो मतलब जितने भी ये पशु पक्षी थे और जितने भी पेड़ पौधे थे उनको उन्होंने उनको संरक्षण दिया, उनको संभाल करके रखा। ग्रेजुअली देयर टेरिटरी बिकेम कवर्ड बाय ट्रीज, देयर कैटल हैड अबंडेंट ब्राउज, देयर लैंड रिकवर्ड इट्स फर्टिलिटी एंड द बिश्नोईस बिकेम ए प्रॉस्परस पीपल। तो देखते ही देखते जो उनकी टेरिटरी थी वो वापस से पेड़ों से हरी भरी हो गई और उनके पशु पक्षियों के लिए इनफ ब्राउज हो गई, खाने के लिए चारा हो गया, उनको मिल गया और उनकी जो धरती थी वो वापस से उपजाऊ हो गई। फर्टिलिटी मीन्स रिकवर्ड इट्स फर्टिलिटी, मतलब जो उपजाऊ हो गई वो ज़मीन वापस से, और बिश्नोईस जो थे वो धनी लोग बन गए, प्रॉस्परस हो गए। बट आउटसाइड देयर टेरिटरी ऑल कंटिन्यूड एज बिफोर, द लैंड वॉज स्टिल बींग स्ट्रिप्ड ऑफ इट्स ग्रीन कवर एंड द डेजर्ट वॉज स्प्रेडिंग। लेकिन उनके टेरिटरी से बाहर जो था वो अभी भी पहले के जैसा ही था, जो लैंड जो था वो अभी भी हरियाली खोता जा रहा था और रेगिस्तान जो है वो फैलता जा रहा था। द 9th डिसेंडेंट ऑफ जंबाजीज कंटेम्पोररी राव जोधाजी नाउ ऑक्यूपाइड द थ्रोन ऑफ जोधपुर। तो ये राव जोधाजी के वक्त पर, मतलब जंबाजी के वक्त पर जो राव जोधाजी का शासन था, तो अब उनकी नवी पीढ़ी जो है वो जोधपुर की गद्दी संभाले हुई थी। इन द 6th ईयर ऑफ हिज रीन इन 1730, दिस महाराजा अभय सिंह डिसाइडेड टू कंस्ट्रक्ट अ पैलेस फॉर हिमसेल्फ, अ ब्यूटिफुल पैलेस मेड फॉर ऑफ द फेमस रेड सैंडस्टोन ऑफ जोधपुर। तो ये जो अभय सिंह जो है, जो अभी यहाँ का महाराज है, उस वक्त महाराज बना, 1730 की बात है, और उनके छठे साल में, जब तक उन्होंने जो शासन शुरू किया था उसके छठे साल के अंदर, उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो खुद के लिए एक बहुत आलीशान सा एक पैलेस बनवाएंगे, और ऐसा खूबसूरत पैलेस जो कि जोधपुर के रेड सैंडस्टोन, जो फेमस रेड सैंडस्टोन है, उससे वो बनाने का उन्होंने सोचा था।
So this would need a lot of lime. Limestone is of course quite abundant in this tract, but it had to be cured and the lime kilns would need a lot of fuel. तो अब ये जो फेमस रेड स्टोन रेड सैंडस्टोन है उसमें बहुत सारे लाइम की ज़रूरत थी. लाइम का मतलब होता है चूना. तो चूना पत्थर जो है वो इस एरिया के अंदर बहुत सारा था, लेकिन उसको पकाना पड़ता था. इट हैड टू बी क्योर्ड. तो पकाने के लिए चूने की भट्टियों की बहुत सारी ज़रूरत थी. द लाइम किल्न्स, किल्न का मतलब होता है भट्टियाँ, वुड नीड अ लॉट ऑफ फ्यूल. और भट्टियों को चलाने के लिए बहुत सारे ईंधन की ज़रूरत पड़ती. So it was not an easy job to get so much fuel in the desert, but as luck would have it, there was a large settlement of Bishnois just 16 miles from Jodhpur. अब ये कोई आसान काम नहीं था कि ऐसे रेगिस्तान के अंदर ईंधन, इतना सारा ईंधन उनको मिल जाए, लेकिन नसीब से एक there was a large settlement as luck would have it. Luck would have it का मतलब luckily. There was a large settlement of Bishnois. Settlement of Bishnois मतलब Bishnois की जो बस्ती थी, बहुत सारे बिश्नोईज जो है वो जोधपुर से सिर्फ 16 मील की दूरी पर रह रहे थे. दीज पीपल, ये वही लोग थे, हैड एक्सेप्टेड जम्बाजीज प्रीसेप्ट्स नियरली 2.5 centuries अगो एंड हैड नर्स्ड हंड्रेड्स ऑफ खेजड़ी ट्रीज नियर देयर विलेजेस. तो ये बिश्नोईज जो थे ये वही थे जिन्होंने जम्बाजी के जो मूल सिद्धांतों पर रहकर उस जगह का संरक्षण किया और आज भी उसको पूरी तरह से मान के चल रहे हैं. लगभग हाफ 2.5 centuries पहले जब जम्बाजी थे और अभी तक वो उनके प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं. और उन्होंने कितने ही खेजड़ी के पेड़ों को नर्स किया एंड देयर नियर देयर विलेजेस, मतलब उनकी देखभाल करी, उनका संरक्षण किया. एंड देयर वाज एक्सीलेंट लाइमस्टोन टू नियर वन ऑफ देयर विलेजेस खेजड़ाई. और उनके नज़दीक का जो गांव है जो खेजड़ाई के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर बहुत ही एक्सीलेंट लाइमस्टोन जो है वो वहाँ पर था. Abhay Singh's Diwan ordered that the lime kilns be started near Khejdali to begin the construction of the palace. तो Abhay Singh का जो दीवान जो था उसने ये ऑर्डर कर दिया कि अब लाइम, ये जो चूने की जो भट्टियाँ हैं वो खेजड़ई के पास में शुरू की जाएगी और इसका कंस्ट्रक्शन वहाँ पर किया जाएगा. But when the workers got ready to cut the trees for fuel, they found that the Bishnois would not let them touch the trees. तो दीवान ने जो ऑर्डर दिया था उसके बाद जैसे ही जो वर्कर्स ने काम शुरू करना स्टार्ट किया, जैसे ही उन्होंने पेड़ों को काट, क्योंकि ईंधन के लिए पेड़ों की ज़रूरत थी, पेड़ काटने पड़ते थे. सो जैसे ही उन्होंने पेड़ काटना शुरू किया, उन्होंने देखा कि जो बिश्नोई थे वो उनको पेड़ काटने नहीं दे रहे थे. देयर खेजड़ी ट्रीज मस्ट बी लेफ्ट अलोन टू कट दीज ग्रीन ट्रीज वॉज अ वायोलेशन ऑफ देयर रिलीजन. अब यह था कि जैसा कि वो जम्बाजी के प्रिसेप्ट्स फॉलो कर रहे थे कि खेजड़ी के पेड़ों को नहीं काटा जाएगा, और ये हरे भरे जो पेड़ है वो उनके धर्म के खिलाफ, एक अगर उनको काटा जाए तो ये मतलब मानो उनके धर्म के खिलाफ जाने वाली बात है, वायलेशन ऑफ देयर रिलीजन. द वर्कर्स रिटर्न टू जोधपुर, द दीवान वॉज एनरेज्ड. वॉट इंसोलेंस, ही पर्सनली अकम्पनीड द वर्कर्स ऑन हॉर्सबैक टू खेजड़ली विलेज एंड ऑर्डर्ड दैट द ट्रीज बी कट. तो जितने भी जो वर्कर्स थे वो जोधपुर आ गए और दीवान को उन्होंने ये सारी कहानी बताई कि वो जो है वहाँ पर पेड़ काटने नहीं दे रहे. तो दीवान जो है वो वॉज एनरेज्ड, मतलब गॉट एंग्री. वॉट इंसोलेंस, इंसोलेंस मतलब ये क्या हरकत है, मतलब गुस्से में आकर के कोई बोलता है ना, ये क्या नीचता है, क्या हरकत है. तो उसने क्या किया, ही पर्सनली अकम्पनीड द वर्कर्स ऑन हॉर्सबैक. तो वो खुद घोड़े पर बैठ कर के वर्कर्स के साथ में उस गांव पे जाता है, खेजड़ाई विलेज जाता है और खुद ये ऑर्डर देता है कि पेड़ों को काटा जाए. ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस ऑनलाइन क्लास. विल स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट इन आवर नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग.